हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज करंट अफेयर्स पार्ट टू बताऊंगा। कृपया चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो करंट अफेयर्स है, भारत के पहला विदेश भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। भारत का पहला विदेश भवन कहाँ स्थापित किया गया? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई है? सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर को की गई है। इसमें क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसका नाम है सौभाग्य योजना। तो 30वां अंतर्राष्ट्रीय 30वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किन्हें दिया गया? टीएम कृष्णा को दिया गया है। 2015-16 के लिए यह दिया गया है। और ये 2017 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये हैं रिचर्ड एच थेलर, इनको दिया गया है व्यवहारिक अर्थशास्त्र को दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 108वां और शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड। ये भी पूछ सकता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा लैंगिक समानता पर आधारित रहता है। 144 देश इसमें शामिल थे 2017 में। ये चांस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के। ग्लोबल ये हो गया छठे। मिस यूनिवर्स 2017, तो मिस यूनिवर्स 2017 किन्हें दिया गया है? डेमी ले नेल पीटर्स। तो मिस यूनिवर्स किन्हें दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका की हैं। ये 66वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, लॉस वेगास में USA में आयोजित किया गया था। तो ये हो गया। अब सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनीतिक, उसका नाम रखा गया है सैम रखा गया है। ये बनाया किसके द्वारा गया है? न्यूजीलैंड के हैं, निक गैरिटसन। उनका जो बनाए हैं उनका नाम है निक गैरिटसन। और भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ? ये शुभांगी स्वरूप। ये कन्नूर केरल में आयोजित INA की पर्सिंग आउट परेड में इनको यह गौरव प्राप्त हुआ। तो अब आइए कापू समुदाय। तो कापू समुदाय के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू किया गया? तो यह है आंध्र प्रदेश। कितना परसेंट आरक्षण लागू किया गया? 5% दिया गया है इन लोगों को। शिक्षा और रोजगार में ये सिर्फ मिला है इनको। अब 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 27वां व्यास सम्मान ममता कालिया को दिया गया है। उनके जो उपन्यास हैं वो सुखम दुखम के लिए दिया गया है 27वां व्यास सम्मान। अब अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया है?
ये है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला को जो कि यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। नौसाद सम्मान किन्हें दिया गया है? नौसाद सम्मान हेमा मालिनी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम मैचों में 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज, ये हैं रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने सबसे कम मैच में जो कि विकेट लिया है टेस्ट मैचों में खासकर, 54 मैचों में इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध मैच में नागपुर टेस्ट में इन्होंने ये कमाल किया। कुंवर नारायण जिनका हाल में निधन हो गया, ये क्या थे? ये लेखक थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2005 में मिला था। सौर मंडल के बाहर से आए क्षुद्र ग्रह का नाम क्या दिया गया है? नासा द्वारा दिया गया है, ये इसको एलियन भी कहा जा रहा है। ओ यूमू आमुआ, इसको क्या नाम दिया गया? ओमू आमुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉर्बेट किन दो देशों के बीच में है जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ये है, ये 30वां संस्करण दोनों के बीच में हो रहा है, ये बेलावन इंडोनेशिया में होगा। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठुमरी साम्राज्ञी किसे की? किस शास्त्रीय साधिका को कहा जाता है? गिरजा देवी। 88 वर्ष की थी, इनकी निधन 24 अक्टूबर 2017 को हो गई कोलकाता में। ये पद्म विभूषण से भी पुरस्कार दिया गया था इनको। देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत की गई है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत की गई है। रेलवे मंत्रालय द्वारा इसको स्वर्ण परियोजना के तहत इसको जारी किया गया था। सरकारी सेवाओं के लिए नए ऐप जारी किया गया, उमंग, ये क्या इसका नाम है? उमंग। तो अब ये आज 22वां सीरीज है मेरा, कृपया इसको और आगे भी देखते हैं। और भी करेंट अफेयर्स जो परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं बताते जाऊंगा। और अगर इसमें कमी या शिकायत हो या कुछ सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के, जिससे आप लोगों को और मदद कर सकूं और अच्छे अच्छे करेंट अफेयर्स आप लोगों के सामने रख सकूं। धन्यवाद।